हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी बिगनर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग कॉल और पुट ऑप्शंस के बारे में डिटेल में सीखने वाले हैं। आप में से कई सारे ऐसे बिगनर्स होंगे जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग अभी अभी आपने सीखना स्टार्ट करा होगा, तो आप लोगों को कन्फ्यूजन जरूर होता होगा कि कॉल और पुट ऑप्शंस क्या होता है, और कॉल ऑप्शंस को कब खरीदा और बेचा जाता है, और पुट ऑप्शंस को कब खरीदा और बेचा जाता है। तो आज के इस वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर होने वाला है। अगर आप भी जानना और सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, कहीं पे भी स्किप मत करना। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने लैपटॉप का स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो धन के ऊपर मैंने लॉग इन कर लिया है एक चार्ट। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को चार्ट की मदद से समझाऊंगा, इसके बाद ऑप्शन चेन के अंदर भी बताऊंगा कि कहाँ पर आपको कॉल और पुट ऑप्शन देखने को मिलता है और किस साइड में आपको ट्रेड करना चाहिए, किस कंडीशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे स्क्रीन के ऊपर तीन चार्ट आपको देखने को मिल रहा है। सबसे पहला चार्ट ये वाला है, दूसरा ये वाला है, और तीसरा चार्ट ये वाला आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे मेन वाला हमारा जो पेरेंट चार्ट है वो कौन सा है, ये वाला है, बीच वाला। यहाँ पर आप देख सकते हो निफ्टी फिफ्टी लिखा हुआ है, यानी कि ये निफ्टी फिफ्टी का चार्ट है। आप जिसमें भी ट्रेड करना चाहते हो उसका चार्ट आप यहाँ पर सेंटर में रख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए निफ्टी फिफ्टी का रखा हुआ है, आप चाहो तो बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, किसी का भी रख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए निफ्टी फिफ्टी का चार्ट अभी ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ से आपने देखा कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में देखिए कॉल का ऑप्शन हमने यहाँ पे लगा करके रखा हुआ है, जो कि निफ्टी फिफ्टी का है। 1 अगस्त यहाँ पे एक्सपायरी डे यहाँ पर आपको शो करता है। इसके अलावा ये वाला जो है 24,900 का कॉल ऑप्शन यहाँ पे हमने सेलेक्ट करके रखा हुआ है। सेम इसी तरह से हमने राइट साइड में भी देख सकते हैं निफ्टी फिफ्टी का 1 अगस्त का एक्सपायरी डे सेलेक्ट करते हुए 24,900 का पुट ऑप्शन हमने सेलेक्ट करके रखा हुआ है। अब ये कौन सा चार्ट है, ये प्रीमियम का चार्ट है, इसको बोलते हैं प्रीमियम, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कॉल साइड में क्या हो रहा है, इसका प्रीमियम बढ़ रहा है। मतलब यहाँ पर अभी कुछ देर पहले 127 रुपए था, अभी इसका प्रीमियम बढ़ करके 143 144 रुपए पे आ चुका है। मतलब ये इतना मूव किया क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो निफ्टी फिफ्टी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, अगर आपको लगता है कि निफ्टी फिफ्टी ऊपर की तरफ जाएगा, पहले तो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, डेटा रीड करना पड़ेगा ऑप्शन चेन के अंदर, और प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, तब जाकर के आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि निफ्टी फिफ्टी जो पेरेंट चार्ट होता है या बैंक निफ्टी जिसमें भी आप ट्रेड करते हो वो किस तरफ मूव करने वाला है। तो उसको पहले आपको प्रेडिक्ट करना पड़ेगा। अब आपने मान लो प्रेडिक्ट कर लिया, तो आपको कैसे एक्शन लेना है, कौन सा ऑप्शन को खरीदना है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, आपने अगर यहाँ पे एनालिसिस किया कि निफ्टी फिफ्टी ऊपर की तरफ जाएगा, तो आपको कॉल ऑप्शन को क्या करना है, खरीदना है। अगर आपने यहाँ पे कॉल ऑप्शन को खरीदा होता मान लो 120 रुपए पे, और अभी इसका प्राइस 145 रुपए चल रहा है, तो इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस रहेगा वो आपका प्रॉफिट रहेगा। अब आपको यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप कितने लॉट से ट्रेड कर रहे हो। अगर आप निफ्टी फिफ्टी के अंदर ट्रेड करने जा रहे हो तो वहाँ पे 25 क्वांटिटी का एक लॉट साइज होता है, तो आपको लॉट में खरीदना होता है। ऐसा नहीं कि आप निफ्टी फिफ्टी में 5 क्वांटिटी खरीद लिए, 10 क्वांटिटी खरीद लिए, लॉट में खरीदना होता है। सेम इसी तरह से बैंक निफ्टी के अंदर 15 क्वांटिटी का एक लॉट साइज होता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि अगर आपने यहाँ पर खरीदा होता और अभी इसका प्रीमियम देखिए बढ़ता गया है, 152 रुपये पहुंच गया है, तो इतना ज़्यादा आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता था। तो आपको ये प्रेडिक्ट करना है कि अगर निफ्टी फिफ्टी ऊपर जाएगा तो आपको कॉल ऑप्शंस खरीदना है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि निफ्टी फिफ्टी नीचे गिरेगा तो आपको पुट ऑप्शंस खरीदना है। कैसे, मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू दिखाता हूँ। लेट से आप यहाँ पर देख रहे हो निफ्टी फिफ्टी में पुट साइड का जो प्रीमियम है यहाँ से यहाँ तक बढ़ा हुआ है, तो आप यहाँ पर टाइमिंग मैच कर लो, 10:03 से लेकर के 10:12 तक निफ्टी फिफ्टी के जो पुट का प्रीमियम है वो ऊपर की तरफ बढ़ा हुआ है। इसका मतलब इस टाइमिंग पे निफ्टी फिफ्टी नीचे की तरफ गिरा रहा होगा। तो 10:03 यहाँ से देख सकते हो यहाँ तक निफ्टी फिफ्टी नीचे की तरफ गिरा हुआ है, 10:15 12 मिनट तक। तो अगर निफ्टी फिफ्टी नीचे गिरता है तो पुट का प्रीमियम बढ़ता है, और अगर निफ्टी फिफ्टी ऊपर बढ़ता है तो कॉल का प्रीमियम बढ़ता है। तो आपको समझ में आ गया कौन सा ऑप्शन आपको खरीदना है। अगर निफ्टी फिफ्टी ऊपर जाएगा कॉल ऑप्शंस खरीदना है, अगर आपको लगता है कि निफ्टी फिफ्टी नीचे गिरेगा तो पुट ऑप्शंस को खरीदना है। अब यहीं पे अगर आप खरीदना नहीं चाहते हो, आप ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हो, तो सेलिंग के केस में आप इसका जस्ट अपोजिट कर सकते हो। लेट से अभी यहाँ पे देखो, अगर आपको लगता है कि निफ्टी फिफ्टी ऊपर जाने वाला है तो आप क्या कर सकते हो, पुट ऑप्शंस को शॉर्ट कर सकते हो। पुट ऑप्शंस को शॉर्ट करोगे, मान लो कि 200, यहाँ पर आप देखिए 100 प्रीमियम अभी कितना चल रहा है, 122, यहाँ पर मान लो आपने शॉर्ट किया होता और अभी इसका प्रीमियम 84 रुपये चल रहा है, तो इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस है ना वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब इतना प्रीमियम आपको मिल जाएगा अगर आप इसको शॉर्ट करके रखते। शॉर्ट मतलब होता है सेल करना, मतलब खरीदने से पहले ही आप यहाँ पे चाहो तो बेच सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप पहले ही बेच दोगे, महंगे प्राइस पे बेचोगे, और कम प्राइस आ जाने के बाद अगर आप इसको वापस बाई कर लोगे तो
इसके बीच का जो डिफरेंस रहेगा वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो देखिए, अगर आपको शॉर्ट सेलिंग करना है तो इसका जस्ट अपोजिट करना पड़ेगा। अगर निफ्टी 50 ऊपर जा रहा है तो आपको पुट ऑप्शंस को शॉर्ट करना है। अगर आपको लगता है कि निफ्टी 50 यहाँ से नीचे गिरेगा तो आपको कॉल ऑप्शंस को शॉर्ट करना होगा। मतलब देखिए, कॉल ऑप्शंस यहाँ पे है और निफ्टी 50 मान लो नीचे गिरेगा तो कॉल ऑप्शंस का भी प्रीमियम नीचे गिरेगा और यहाँ पे आप हाई पर सेल कर दोगे, पहले शॉर्ट कर दोगे। इसके बाद नीचे गिरने के बाद यहाँ पर आसपास में अगर आपने बाई कर लिया तो इसके बीच का जो डिफरेंस रहेगा वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पे कॉल और पुट ऑप्शंस के अंदर समझ में आ गया होगा कि कब आपको ऑप्शंस को बाय और कब आपको सेल करना होता है। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन चेन के अंदर लेकर के आता हूँ और यहाँ पे बताता हूँ कि कैसा ऑप्शन चेन आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पर देखिए, सेंटर में आपको स्ट्राइक प्राइस दिखाई देगा और सीई का मतलब होता है कॉल यूरोपियन। तो कॉल ऑप्शंस को ही सीई बोला जाता है और पुट ऑप्शंस को पीई बोला जाता है, पुट यूरोपियन। तो स्ट्राइक प्राइस के लेफ्ट साइड में आपको सीई का डेटा दिखता है और स्ट्राइक प्राइस के राइट साइड में आपको पीई यानी कि पुट साइड का डेटा दिखाई देता है। तो यहाँ पे बहुत सारे डेटा आपको शो करते हैं, हालांकि ये ऑप्शन चेन का पार्ट है। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है कि ऑप्शन चेन की एनालिसिस कैसे करते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे सिर्फ प्रीमियम के ऊपर फोकस करते हैं। तो यहाँ पे आपको स्ट्राइक प्राइस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए जो ये वाला दिखाई दे रहा है ना, इसको हम लोग एट द मनी बोलते हैं, ठीक है। इसको मार्केट का करेंट प्राइस बोलते हैं या फिर इसी को हम लोग स्पॉट प्राइस भी बोलते हैं। तो स्पॉट प्राइस के नियर वाला जो स्ट्राइक प्राइस रहता है उसको हम लोग एट द मनी बोलेंगे और अंदर वाले को हम लोग इन द मनी बोलेंगे कॉल साइड में, और जो बाहर रहेगा उसको आउट ऑफ द मनी बोलेंगे, ठीक है। और वहीं अगर पुट साइड में बात करें तो ये वाला जो है एरिया पूरा का पूरा इन द मनी होता है और ये वाला जो एरिया है ये आउट ऑफ द मनी कहलाता है। तो ये जो एट द मनी है, जैसे अभी 24,936 चल रहा है, ठीक है, तो अभी इसका एट द मनी कौन सा होगा, ये वाला होगा, क्योंकि इसके नियर वाला स्ट्राइक प्राइस है ये, तो ये वाला एट द मनी कहलाएगा। अभी इसका प्रीमियम आप देखोगे तो कॉल साइड में 128 रुपये चल रहा है और पुट साइड में आप देखोगे तो 105 रुपये दिख रहा है। तो अगर आपको लगता है कि निफ्टी 50 ऊपर जाएगा तो आप 128 रुपये इस तरफ का कॉल साइड का प्रीमियम खरीद सकते हो। अगर आप इन द मनी का खरीदोगे तो और भी ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इन द मनी में इंट्रेंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू दोनों होता है, और अगर आप आउट ऑफ द मनी का खरीदते हो तो सिर्फ वहाँ पे टाइम वैल्यू होता है, इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं होता है, ठीक है, कॉल और पुट दोनों ही साइड में। तो यहाँ पर ध्यान देना कि अगर आप खरीदना ही चाहते हो तो आप एट द मनी का खरीदो या फिर इन द मनी का खरीदना चाहिए, अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो। अब यहाँ पे आप जो प्रीमियम दिखाई दे रहे हैं इस वाले लाइन पे, LTP मतलब होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, इसी को हम लोग प्रीमियम के नाम से भी जानते हैं। तो ये है हमारा प्रीमियम। अब आप कोई भी प्रीमियम सेलेक्ट कर सकते हो। लेट से अभी 129 रुपये 130 रुपये चल रहा है इसका प्रीमियम का प्राइस, तो आप 130 रुपये मल्टीप्लाइड बाई 25 क्वांटिटी, तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो उतने पैसे का आपको फंड का रिक्वायरमेंट होगा। लेट से अगर हमने यहाँ पे बाय पर क्लिक करा, ठीक है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 4 लॉट डाला हुआ है। अगर मैं इसको एक लॉट डाल देता हूँ तो मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना होगा, 3,266 रुपये। तो इतने रुपए अगर आपके वॉलेट के अंदर रहेंगे तब आप इस ट्रेड को कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पर आपको प्रीमियम दिखाई दे रहा है कि प्रीमियम कितना घट रहा है, कितना बढ़ रहा है। तो ये प्रीमियम तब बढ़ेगा कॉल साइड का जब निफ्टी 50 बढ़ेगा, और अगर आपको लगता है कि निफ्टी 50 नीचे गिरेगा तो आप फिर पुट साइड को खरीद सकते हो। आई होप आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बेसिक कॉल और पुट ऑप्शंस के बारे में समझ में आ गया होगा कि कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस क्या होता है, ये कैसे काम करता है, और कॉल और पुट के प्रीमियम के प्राइस किस तरह से मूव करते हैं। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पर देख सकते हो निफ्टी 50 नीचे की तरफ गिरा, रेड कैंडल बना, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कॉल ऑप्शंस का प्रीमियम भी यहाँ से यहाँ तक गिर गया। और वहीं आप पुट ऑप्शंस के प्रीमियम को देखोगे तो पुट ऑप्शंस का प्रीमियम यहाँ पे बढ़ा हुआ है। इसका मतलब ये समझ में आ गया कि निफ्टी 50 अगर गिरेगा तो पुट ऑप्शंस का प्रीमियम बढ़ेगा और कॉल ऑप्शंस का प्रीमियम गिरेगा, और निफ्टी 50 अगर बढ़ेगा तो कॉल ऑप्शंस का भी प्रीमियम बढ़ेगा लेकिन पुट ऑप्शंस का प्रीमियम गिरेगा। और दोस्तों अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग को बेसिक से लेकर के एडवांस तक के सारी चीज़ों को टॉपिक वाइज सीखना चाहते हो स्टेप बाय स्टेप, तो आप मेरे नोट्स को यूज़ कर सकते हो। इस नोट्स का मैंने PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करके रखा हुआ है, तो अगर आपको PDF नोट्स बाय करना है तो इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप वहां से इस नोट्स को बाय कर सकते हो और आप भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्टिंग से कर सकते हो। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, लेकिन अगर फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।